Hello everyone, welcome to Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to take up important lecture from Static GK. ते आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बार बार प्रॉब्लम आ रही थी कि सानू जो एग्जाम के स्टैटिक जी के जो क्वेश्चन आते हैं तो उत्थे स्पोर्ट्स एंड गेम्स के काफ़ी बारी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन अटैम्प्ट. सो अज आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स के इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज कवर करा तो जोड़ा ये लैक्चर है ये PSSSB क्लर्क नायब तहसीलदार सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन्स दे विचो केड़े प्लेयर नू ये चारों अवार्ड्स मिले ने. अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ते पद्मश्री. सो ए मिले है ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद जी नू. सो ये केड़ी स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड है वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज रिलेटेड टू बैडमिंटन. ए बैडमिंटन दे बहुत ही एक्सीलेंट प्लेयर रह चुके ने ते नाल ही करंटली यह चीफ नैशनल कोच ने इंडिया की बैडमिंटन टीम दे. सो ये भी तुसी याद रखना है ते एदे करके इन्हां नू द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिले है. ऑलसो जिन्ने भी इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई सी 2001 जिन्ने भी मैच सी इन्हां ने उस चैंपियनशिप दे सारे दे सारे मैच जीते सी. सो तुसी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नाल याद रखना है दैट ही वॉन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2001 ते ए दूजे इंडियन बने सी जिन्ना ने इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती सी ते एना तो पहला फर्स्ट प्लेयर कौन सी. सो ओ सी प्रकाश पादुकोण. सो प्रकाश पादुकोण ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन ते ए कौन ने ए इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दे फादर है. सो ये तुसी याद रखना है प्रकाश पादुकोण इन्हों सब तो पहला इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती सी. दूजे नंबर पर जीती पुलेला गोपीचंद जी ने ते इन्हों चारों अवार्ड मिल चुके ने. नैक्सट क्वेश्चन इज नोमूरा कप इज एसोसीएटेड विद विच गेम. सो ए कप रिलेटेड टू गोल्फ ऑप्शन ए. नैक्सट इज फाइव रिंग्स ऑन ओलंपिक फ्लैग रैप्रजेंट. सो जिहड़ा ओलंपिक का झंडा है उहदे उत्ते पांच रिंग्स ने. सो एक किस चीज़ नूं रैप्रजेंट करदे हैं. सो दीज रैप्रजेंट फाइव कॉन्टीनेंट. ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी टूरनामेंट किहड़े साल विच शुरू होया. सो ए शुरू होया सी 1934. नैक्सट 18वीं एशियड दे टाइम पहली बारी एशियन गेम विच इंट्रोड्यूस होण वाली स्पोर्ट किहड़ी सी. सो इन्हां दे विचों ओह सी कुराश ऑप्शन ए. नैक्सट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थ्री कोर्ट्स. सो ये तीन कोर्ट ने इन्हों का नाम है रॉड लेबर अरेना, हाइसेंसे अरेना, मार्गरेट कोर्ट अरेना. सो ये तीन कोर्ट केड़े मेन टूरनामेंट के नाल रिलेटेड ने जिथे टूरनामेंट करवाया जाता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट के नाल रिलेटेड क्वेश्चन है. सो ये तीनों कोर्ट ने रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑप्शन ए. एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑस्ट्रेलियन ओपन केड़ी स्पोर्ट नाल रिलेटेड है. सो ए है टेनिस नाल रिलेटेड. नैक्सट द बुक रनस एंड रूइंस ये किने लिखी है. सो ये ऑथर ने सुनील गवास्कर ऑप्शन ए. नैक्सट क्वेश्चन इज कौन पहले भारतीय बने ने फीफा काउंसिल मैंबर दे विच इलेक्ट होने वाले. सो वह बने ने प्रफुल पटेल ऑप्शन सी. विच वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल मैसकॉट इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक समर गेम. जिहड़ियां ओलंपिक समर गेम होईयां सी उन्हां विच पहली वारी जो होईयां तां फर्स्ट ऑफिशियल मैसकॉट की सी. सो ओह सी वॉल्डी ऑप्शन ए. पहले क्रिकेटर कौन सी जिन्हां नूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलिया सी. सो ओह सी सचिन तेंदुलकर ऑप्शन बी. फीफा हमेशा पुस्कस अवार्ड दिंदा है किहड़े चीज़ दे लई. सो ए दिता जांदा है गोल ऑफ द ईयर लई ऑप्शन सी. Who is the first woman to win Dronacharya Award? So Dronacharya Award किद नाल रिलेटेड है. एक कोचिज नूं दिता जांदा है. सो पहली महिला इस अवार्ड नूं जितने वाली बनी रेनू कोहली ऑप्शन ए. सो इन्हां नूं 2002 विच मिलिया सी द्रोणाचार्य अवार्ड ते केड़ी डिसिप्लिन लई एथलेटिक्स. सो ये भी तुसी याद रखना है.
नेक्स्ट इज हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल फॉर शूटिंग एट एशियन गेम। एशियन गेम दे विच सब तो छोटी उम्र के भारतीय कौन बने गोल्ड मेडल जीतने वाले। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दो एग्जाम विच आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उन्हां दा नाम है सौरभ चौधरी, ऑप्शन डी। पहले क्रिकेटर अर्जुन अवार्ड जीतने वाले, सो ओ सी सलीम दुरानी, ऑप्शन बी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, सो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर कहा जाता है, ऑप्शन डी पियरे डे कोबर्टिन। नेक्सट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कितने ने, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ए है ऑप्शन ए दुबई। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है इंडियन हॉकी विजर्ड ध्यानचंद के उत्ते, सो उसका नाम की है, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ए ऑटोबायोग्राफी है, ऑप्शन सी गोल। फ्लाइंग सिख किनू क्या जाता है, सो रीसेंटली इन्हों की कुछ समय पहला ही डेथ हुई है, सो ए ने ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, जिन्होंने फ्लाइंग सिख के नाम के नाल जानते हैं। बेल्टीमोर बुलेट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो जिवें फ्लाइंग सिख तो कॉमन है, काफ़ी बार एग्जाम विच ऑलरेडी आ भी चुके हैं। सो जिहड़े एक दो ए क्वेश्चन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, बेल्टीमोर बुलेट, सो ए कहा जाता है माइकल फिलिप्स नू, ऑप्शन सी। सो माइकल फिलिप्स नू एक तो बेल्टीमोर बुलेट कहा जाता है, एक होर नाम है फ्लाइंग फिश, सो ये भी तुसी याद रखना है। एक अमेरिकन स्विमर ने ते इन्हां नू बेल्टीमोर बुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हां दा जन्म होया बेल्टीमोर मैरीलैंड दे विच। नेक्स्ट इज केड़ी स्पोर्ट है जिहड़ी परफॉर्म कीती जांदी सी लेजेंड मुहम्मद अली दे द्वारा, सो ए नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुहम्मद अली इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी बॉक्सिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द गेम ऑफ लॉन टेनिस, सो ये जो टर्म्स वाले क्वेश्चन ने स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी दे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, तो मोस्टली स्टूडेंट्स नू इन्हां दे विच ही प्रॉब्लम आती है, सो ये तुसीं ध्यान दे नाल याद करने ने। सो लॉन टेनिस की गेम दे विच इन्हां चारां दे विचों वरती जाण वाली टर्म है ऑप्शन ए डी यूज। नैक्सट है हुण आया क्वेश्चन कि इन्हां दे विचों कीहड़ी टर्म नहीं वरती जाती, नॉट यूज, सो लॉन टेनिस दे विच ना यूज करने वाली टर्म है ऑप्शन सी गैम्बिट। बाकी ये तीनों टर्म्स लॉन टेनिस दे विच वरतिया जांदियां ने। नेक्स्ट इज नैशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया का किस दिन सैलीब्रेट किया जाता है, सो ए सैलीब्रेट होंगे ऑप्शन बी 29 अगस्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू नैशनल स्टाइल्स ऑफ कबड्डी, सो कबड्डी के तीन मेन नैशनल स्टाइल ने, इन्हों के जोड़ा नैशनल स्टाइल नहीं है वह है ऑप्शन डी गूंगी, बाकी अमर गामिनी संजीवनी, ये तीनों नैशनल स्टाइल ने कबड्डी के। गोल्डन स्लैम की है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है। गोल्डन स्लैम का मतलब है ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड, ऑप्शन ए। केड़ी स्पोर्ट है जिसके नाल बटरफ्लाई टर्म एसोसिएटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो बटरफ्लाई एक स्विमिंग की फॉर्म है, ऑप्शन फोर। पुटिंग किस गेम च यूज किया जाता है, सो पुटिंग टर्म यूज की जाती है गोल्फ विच, ऑप्शन डी स्टॉपर, स्टॉपर वरती जाती है फुटबॉल विच, ऑप्शन वन। टाइम ट्रायल, सो ए टर्म एसोसिएटेड है साइकलिंग दे नाल, ऑप्शन वन। डकवर्थ लुइस वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली हर्ड, सो ए टर्म यूज की जाती है क्रिकेट विच, ऑप्शन वन। चाइना मैन अनदर टर्म यूज विद क्रिकेट, ऑप्शन टू। पॉपिंग क्रीज, सो ए भी टर्म वरती जाती है क्रिकेट दे नाल, ऑप्शन टू। चक्कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ए वरती जाती है पोलो दे नाल, ऑप्शन वन। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट टर्म एसोसिएटेड है टेनिस दे नाल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स कितने ने, सो पहला अपन ने आईसीसी दे देखे सी, सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दे ने लुजान, ऑप्शन टू। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूरनामेंट कितने करवाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन इन एग्जाम्स, सो ए करवाया जाता है मलेशिया विच, ऑप्शन नंबर टू। क्यू जिगर ब्रेकपॉट, ये तीन टर्म्स केड़ी गेम नाल एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम विच ऑलरेडी आ चुके हैं, सो ये तीनों टर्म वरतिया जाती ने बिलियार्ड्स विच, ऑप्शन नंबर फोर।
ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ 14,000 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ, ਆਪਸ਼ਨ 2। ਨੈਕਸਟ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਰਟ ਰਬਰ, ਪਿਚਰ, ਹੋਮ ਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ ਟਰੋਫੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਸ਼ਨ 4। ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੰਦੂਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਜੋ ਨੇ, ਕਲਾਰੀਪੱਟੂ, ਗੱਤਕਾ, ਥੰਗਤਾ, ਮਾਲਖਮ, ਯੋਗਾਸਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 4। ਟ੍ਰਿਪਲਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ? ਸੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਨਾਮੇਕਰ ਟਰੋਫੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗੋਲਫ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 2020 ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਮੱਕਾ ਟਰੋਫੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿੱਤੀ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ, ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICC ਦਾ ਸਲਾਈਬਾ ਬੈਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ? ਸੋ ਉਹ ਸੀ ਡੋਮ ਸਿਬਲੇ, ਆਪਸ਼ਨ 2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਬੀਜ਼ਿੰਗ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਨ ਕੱਪ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹਾਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਅਰਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 1961 ਵਿੱਚ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ 1985, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਅਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਈਅਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੈਲਨ ਡੀਅਰ ਆਨਰ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਗੇਮ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਸੁਬਰੋਤੋ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਗੇਮ ਆਫ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਸ਼ਨ 2। ਆਰਚਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ। ਏਸ ਅਗੇਂਸਟ ਔਡ ਕਿਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। NCC ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ NCC ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਸ਼ਨ 1। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, UP, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਰਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਰੈਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜੋ ਕਲਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੌਫਮੈਨ ਕੱਪ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਾਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਰਕਿਟ ਡੀ ਕੈਟੇਲੋਨਾ ਫੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਰੇਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੋਇਲ, ਪੈਨ ਹੋਲਡਰ ਗ੍ਰਿਪ, ਲੋਬ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਔਨ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਗੇਮਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ।